जय हिंद दोस्तों। वन ऑफ द बिगेस्ट टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल ने मचा दिया भौकाल। हैदराबाद में पहली सक्सेसफुल टेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है 5G की और बहुत ही जल्द हम लोग 5G का अनुभव लेने वाले हैं। तो दोस्तों ऐसे में मुझे वायरस का डायलॉग याद आ गया, रिमेंबर लाइफ इज अ रेस, अगर तेज नहीं भागोगे तो कोई तुम्हें कुचल के आगे निकल जाए। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि जो 5G टेस्टिंग हुई है इसके पीछे कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है और कैसे इसको सक्सेसफुल बनाया गया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना भौजी के। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष गुप्ता, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन भारतीय एयरटेल उनके एम्प्लॉयज को जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस टेस्टिंग को परफॉर्म किया और इसको सक्सेसफुल बनाया। तो सबसे पहले जो टेस्टिंग हुई है ये हैदराबाद में की गई है 1800 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी पे, और साथ ही साथ जो फोन का यूज किया गया है वो ओप्पो के फोन्स का यूज किया गया है इस टेस्टिंग को करने के लिए। अब बात करते हैं कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। तो ये लोग डायनेमिक शेयरिंग स्पेक्ट्रम टेक्नोलॉजी यानी कि DSS टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। अब ये DSS टेक्नोलॉजी क्या होता है, देखिए बहुत सिंपल सी बात है, जो एक स्पेक्ट्रम होता है फ्रीक्वेंसी का जिसमें हम लोग फ्रीक्वेंसी मिलती है, फ्रीक्वेंसी से आप ये समझिए जिस बैंड की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी, जिस टेक्नोलॉजी की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी उतना ही हाई स्पीड इंटरनेट आपको मिलेगा। तो जो 5G टेक्नोलॉजी है उसकी जो स्पीड है वो है करीब 24 GHz से 86 GHz तक के बीच की है, तो ये बहुत ज्यादा है। अब तक जो था वो 600 MHz से 6 GHz तक था वोल्टेज जो हम लोग यूज किया करते थे। अब जो कैरियर वेव्स हैं, कैरियर वेव जो हमारी जो वैसे हम लोग बात कर रहे हैं तो वो एक वेव्स बन के निकल रहे हैं, तो कैरियर वेव्स हैं, अब वो 4G भी यूज कर रहा है वही स्पेक्ट्रम में, एक सेम स्पेक्ट्रम में जो कि फ्रीक्वेंसी अलॉट करता है, उसी में 4G को भी देना, उसी में 5G को भी देना, तो सेम स्पेक्ट्रम में 4G भी देना 5G भी देना, इसी को हम लोग कहते हैं DSS यानी कि डायनेमिक शेयरिंग स्पेक्ट्रम टेक्नोलॉजी। अब आप ऐसे समझिए, मतलब ये एक स्पेक्ट्रम है, एक स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी का बैंड होता है, ठीक है, उसमें 20 MHz का फ्रीक्वेंसी है, 20 MHz में वो ऐसे खाली बैठा चुपचाप, अब वो देख रहा है कौन 4G यूज कर रहा है कौन 5G यूज कर रहा है उसके एरिया में। अब कोई एक ठो आया, वो बोला हमको 4G चाहिए 10 MHz का, तो मैंने 10 MHz उसको दे दिया। अभी मेरे पास 20 MHz था, 10 मैंने 4G वाले को दे दिया, अब 10 बचा हुआ है ना, 10 वाला बोला एक ठो आ गया मर्सिडीज से, वो बोला हमको 5G चाहिए, तो 5G बोला मेरे को 10 MHz 5G चाहिए, तो मेरे पास 10 MHz था मैंने उठा के उसको दे दिया। अब जैसे ही वो यूज करके बंद कर दिया तो मेरे पास 10 MHz फिर से फ्री हो गया, अब कहेगा हमको 20 MHz चाहिए, तो मैंने 20 MHz उठा के उसको दे दिया। तो इस तरह एक पर्टिकुलर टाइम पे मैं 4G भी दे रहा हूँ उसी स्पेक्ट्रम में से, और उसी फेफ में से वो 5G भी दे रहा हूँ, तो सेम स्पेक्ट्रम में सेम टाइम पे सेम स्पेक्ट्रम में मैं 4G भी दे सर्विस दे रहा हूँ और 5G सर्विस भी दे रहा हूँ, इसी टेक्नोलॉजी को हम लोग कहते हैं डायनेमिक स्पेक्ट्रम। बात करें एडवांटेज की तो 5G के बहुत सारे एडवांटेज है, लेकिन कुछ गिने चुने एडवांटेज मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमारे जो गेमर्स होते हैं जो बड़ा दिन रात गेम खेलते हैं पबजी, तो जब आप अभी खेलते होंगे तो कभी कभी आपका नेटवर्क स्टेबल नहीं होता होगा, तो आपका पिंग का ड्रॉप्स आने शुरू आते होंगे, लेटेंसी की प्रॉब्लम आने लगती होगी, तो कभी कभी आपका गेम जो है वो हैंग होता होगा या बहुत ही परफेक्ट काम नहीं करता है। लेकिन जो 5G टेक्नोलॉजी है क्योंकि इतने हाई बैंड पे वो काम कर रहा है तो उसमें आपको लेटेंसी की सुविधा नहीं आएगी, मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगी लेटेंसी की, और आप बड़े आराम से गेम खेल सकते हैं बिना किसी हैंग वगैरह प्रॉब्लम के, तो ये गेमर्स के लिए बहुत बेहतरीन है, ठीक है। वीडियो आप बिना नॉन स्टॉप बफरिंग के देख सकते हैं, मतलब बहुत ही अनलिमिटेड, मतलब आप ए डालेंगे तो सीधा मेरा चैनल आशीष गुप्ता फैंस खोल के आ जाएगा इतना तेजी से। ट्राई करिएगा जब 5G आ जाए, तो आने वाले कुछ महीनों में तो आ ही जाएगा, ठीक है। अब एक ड्रॉबैक भी है इसका, सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि देखिए जब हमारा फ्रीक्वेंसी बढ़ता है ना तो हमारा जो रेंज है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो अभी तक क्या था, एक पर्टिकुलर सेल में काफी लंबे एरिया में, मतलब एक गांव में ऐसे टावर लटका दिया तो वो काफी दूर तक वो कवरेज देता था, लेकिन जो 5G का है ये इसका जो रेंज है मात्र 1000 फीट से लेकर 1500 फीट के बीच में है, तो मतलब इसका जो रेंज है वो बहुत कम हो जाएगा। लेकिन जो इक्विपमेंट है ये काफी एडवांस है, मतलब घर के आसपास जो पोल होते हैं ना, पोल लंबे लंबे लगे होते हैं, उसी पोल पे लटका दिया जाएगा, बांध दिया जाएगा, मतलब जो स्ट्रीट लाइट होती है जहां पे लाइट जल रही है वहीं पर सब ऐसे बांध के टांग दिया जाएगा, तो मतलब थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे इसको लगाना पड़ेगा, तो ये बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होगा, इसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा तब जाके हम जो को 5G मिल पाएगा, क्योंकि इतना आसान नहीं है। आप समझिए कि आप घर से लेके 1000 फीट तक के अंदर में ही वो कवरेज आ पाएगा, मतलब हर 1000 फीट पे
पोल पे, मतलब ये 5G का इक्विपमेंट बांधने पड़ेंगे स्ट्रीट लाइट्स पे, चाहे वो कैसे भी करके लगाने पड़ेंगे, तब जाके आप 5G को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इसका रेंज का सबसे बड़ी समस्या रहती है। तो दोस्तों ये था ओवरऑल 5G का न्यूज़, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ 5G एक्सपीरियंस करने के लिए। तो आने वाले कुछ टाइम में 5G हमारे इंडिया में होगा, और मैं बहुत ही प्राउड फील करता हूँ, हम सब बहुत प्राउड फील करते हैं कि इंडिया जो है एक इमर्जिंग नेशन की तरह आगे उभर के आ रहा है, और आने वाले टाइम में हम लोग टेक्नोलॉजी में बड़े बड़े कंट्रीज को टक्कर देने वाले हैं। तो जल्द से जल्द ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो। टेलीकॉम कंपनीज के लिए यही है कि जितनी जल्दी वो इंफ्रास्ट्रक्चर्स का डेवलप करेंगे पूरा 5G का, उतनी तेजी से हम लोग 5G को एक्सपीरियंस कर सकेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।